माय चैनल इज एनीथिंग क्लासेस, आपके लिए एक और राखी का वीडियो। इससे पहले मैंने और भी कई राखी के वीडियोस मेरे चैनल पर शेयर किए हुए हैं। आप अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा चैनल, और वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, आप चेक जरूर कीजिएगा। और मेरा एक चैनल और है, उस पर भी मैंने काफ़ी सारी राखियों के वीडियो शेयर किए हुए हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सी और आसान सी राखी लेकर आई हूँ आपके लिए, पॉम पॉम वाली राखी बोलते हैं इसको, बच्चों के और बड़ों के सभी के हाथों में बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखा देती हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं, कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं, जैसे कि ये डोरी अलग कलर की और ये पॉम पॉम अलग कलर का, डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ खेल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो आगे वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। के लिए मुझे यहाँ पे वूल की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे मैंने ये 4-ply वूल ली है, नॉर्मल वूल है, वर्धमान की वूल है। और क्रोशिया हुक जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, 2.5 mm का मैं ले रही हूँ। एक मिनट, शायद डिटेक्ट नहीं कर रहा है। यस, 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिए हैं। और देखिए कुछ इस तरह के मैंने यहाँ पर पर्ल लिए हुए हैं, मेरे पास यही थे। आपके पास जो भी हो, गोल्डन सिल्वर जैसे भी कलर हो, एनी थिंग आप वो ले सकते हैं। और निडिल देखिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह की नॉर्मल निडिल ली हुई है, ये सॉरी स्वेटर सिलने वाली सुई, और एक सीज़र ली हुई है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन सामान को जो भी है मटेरियल को एक साइड रख देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जितना हम देखिए इस तरह से नापेंगे, जितना हम काटेंगे बांधेंगे ना उतना धागा हम ले लेंगे, ठीक है, डबल करके धागा लेंगे। देखिए मैं ये इतना धागा ले लेती हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ये देखिए सीजर से कट कर दूंगी। निडिल में मैं धागा डाल लूंगी, एक मैं यहाँ पे गांठ लगा दूंगी जिससे कि ये खुले ना। देखिए मैं यहाँ पे 4 मोती डाल लूंगी, आप कितने भी डाल लीजिएगा, जितना भी आपको डालना हो। इसके बाद मैं इसको यहीं छोड़ दूंगी। अब हम बनाएंगे एक पॉम पॉम, ठीक है। देखिए किस तरह से छोटा पॉम पॉम बनाएंगे। ये देखिए 2 fingers मैंने ले लिए। पॉम पॉम बनाना वैसे मैंने मेरे चैनल पर बताया हुआ है, आप उसका सिंगल वीडियो किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और राउंड लगा लेंगे करीबन 50-40 times लगा लेंगे, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। कट कर देंगे। अब इसको इस तरह से निकाल लूँगी मैं और यहाँ पे रख दूँगी। एक धागा ले लूँगी इस तरह से, ये देखिए कर क्या रही हूँ मैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से इस तरह से टाई कर दूँगी सेंटर से, ये देखिए। इसको हम गांठ बांध देंगे अच्छे से, टाइट गांठ बांधेंगे हम इसे,
अब ये देखिए इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हम कट कर देंगे सभी। अब देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से इसे रख लूँगी और इसको बिल्कुल एक साथ एक जैसा कर दूँगी। मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ इस तरह से। बिल्कुल एक जैसा एक बराबर कर देंगे चारों साइड से, हर तरफ से राउंड राउंड करके देख लेंगे हम। ये देखिए ये देखिए एक जैसा हो चुका है। अब ये देखिए इस तरह से ये पोम-पोम बड़ा ही प्यारा सा पोम-पोम बन गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो मोती डाले हैं इसमें हम यहाँ पे ये पोम-पोम भी डाल देंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से चार मोती हम फिर से इधर डाल देंगे। यहाँ पे हम इसका सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पे देखिए तो देखिए गाइस यहाँ पे ये राखी बनकर तैयार हो गई। और निडल को हम इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पे भी एक गांठ लगा देंगे जिससे कि ये मोती इधर से उधर ना हिले। सो देखिए गाइस यहाँ पर ये राखी बनकर तैयार है। अब देखिए मैं इसे अपने हाथों में बांध के दिखाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये राखी, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। आप भी इस रक्षाबंधन पे देखिए इस तरह से टाई कर सकते हैं हम इसे, तो इस रक्षाबंधन पे आप भी इस तरह की राखी बना सकते हैं अपने लिए और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो मेरे कहने पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल बटन भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले और समय से मिलते रहें। और
और फ्यूचर में मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हाँ गाइस, मेरा एक चैनल और है, वहाँ पर मैं क्रोचेट की वीडियो शेयर करती हूँ, और इस चैनल पर मैं क्रोचेट और निटिंग दोनों के वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप क्रोशिया के शौकीन हैं, क्रोचेट के शौकीन हैं, तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक जरूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं क्रोशिया से बनी हुई चीज़ें आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, ये देखिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और शेयर जरूर करें सबके साथ। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।